जय हिंद। नमस्कार, मेरे शेयर चैनल में स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी फिजिकल को लेकर है, क्योंकि एसएससी जीडी फिजिकल को लेकर कई प्रकार की अफवाह आपने देखी होगी इस समय। और कुछ बच्चे, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था एसएससी जीडी फिजिकल पर पे, और आज एक रनिंग का वीडियो भी डाला है जो कि 5 किलोमीटर रनिंग का। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उससे आपकी काफी मदद होगी, जो कि कमांडो अकेडमी फिजिकल वाले चैनल पर है। मैं शुरू से इस बात पर आपको बार बार जोर देता आया हूं कि आप इसी समय से एसएससी जीडी रनिंग की तैयारी कर दीजिए, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो। कट ऑफ के कई अनुमान वाले वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, उनसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत फेर बदलाव हो, लेकिन अगर आप उन वीडियो को हिट कर रहे हैं तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस वाली घरगत आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जिन्होंने कट ऑफ बताई बच्चों को बहुत ज्यादा, उसके बाद में ऐसा हुआ था कि वो बच्चे फिर रनिंग करने नहीं गए, और बाद में जब फाइनल मेट आई तो वही कम। ऐसे उदाहरण मेरे पास में एकेडमी में भी है, उन बच्चों से भी मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीजों के शिकार ना हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं फिजिकल की तैयारी करिए। एक चीज और आपके सामने मैं रख रहा हूं जो कि आज के न्यूज़पेपर में है, अगर आप ध्यान से देखोगे उसको तो आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। मैं बार बार क्यों रनिंग पर आपको इतना जोर दे रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय नोटिस आ जाएगा कि इस डेट से आपके फिजिकल शुरू होंगे, और अगर आपके पास में समय नहीं रहा, 5 किलोमीटर की रनिंग करना आसान नहीं है 24 मिनट के अंदर। ध्यान रखना, लड़कियों के लिए भी 100 मीटर की रनिंग है, कोई कम रनिंग नहीं है। और मैंने देखा है लड़कियों में स्पेशली 50% से ज्यादा लड़कियां फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होती है, लड़कों में भी 30% से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप उस फेलियर का शिकार ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना। आज ही के न्यूज़पेपर में ये देखो, लोकसभा चुनाव का राष्ट्रीय परीक्षाओं की तिथि पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर, 7 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। आपको पता है एसएससी जीडी फिजिकल में तो इतने बच्चे शामिल ही नहीं होंगे, ये किसका है? जेई मेन, सीयूईटी, यूजी और नीट यूजी तिथियों में नहीं होगा बदलाव। सोचो, जब इन परीक्षाओं में बदलाव नहीं होगा तो एसएससी जीडी फिजिकल पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा भाई? एसएससी जीडी अगर हम देखें तो 50 लाख के आसपास टोटल फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफ वैकेंसी आप सबको पता 25,000 है, 25,000 को अगर हम 10 गुना कर दें, क्योंकि 10 गुना बुलाते हैं, पिछली बार 8 गुना बुलाया, हो सकता है इस बार भी 8 गुना बुलाए, तो लगभग 2 लाख बच्चे फिजिकल के लिए आमंत्रित होंगे। तो यहां पर बात चल रही है 7 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने वाली तिथियों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको लगता है कि 2 लाख विद्यार्थियों का फिजिकल डिले होगा लोकसभा चुनाव के कारण? मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैं बोला था कि मैं इस बात से कतई एग्री नहीं करता हूं कि फिजिकल आपकी ज्यादा आगे पोस्टपोन होगी, इसलिए आपको फिजिकल के लिए तैयार कर रहा हूं बार बार। अब आपकी मर्जी है, आप इस बात को कैसे ले, आपको तैयार होना तो होइए, नहीं तो आराम से सोइए, जिस दिन आएगा नतीजा उस दिन भुगत लोगे, ठीक है। जब सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, वो भी जो पेपर है इनके, जेई मेंस के, इनके इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर लगभग 60 लाख विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं, जबकि एसएससी जीडी के केवल 2 लाख विद्यार्थी फिजिकल देने वाले हैं। इसको कंडक्ट करने में तो काफी बड़ी बल की जरूरत है, इनके लिए तो बल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के कैंपों में होने, वहां पर नेचुरल रूटीन में ये चीजें होती है भाई, वहां पर कोई ना कोई भर्ती चलती रहती है हमेशा, तो नेचुरल रूटीन में होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव का। आंसर की डिले हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि आपका फिजिकल भी बहुत ज्यादा डिले चला जाएगा, आंसर की का डिले होने में कई चीजें हो सकता है कि सही समय पर उपलब्ध नहीं होने कारण, और किसी कारण एसएससी इतना लेट कर रही है, वो चीजें समझ से परे हैं, क्योंकि 5-7 दिन बाद में आंसर की आई जाती है, लेकिन इस बार अगर नहीं आई है तो उसका फिजिकल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तुरंत नोटिस आ जाएगा कि इस डेट से आपके फिजिकल होंगे, और मैं आपको बताऊं कट ऑफ की मेरिट भी बाद में आएगी फिजिकल डेट के बाद में, पिछली बार भी ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हुआ है, इस बार भी हो सकता है, तो इंतजार मत करना आंसर की। वैसे आपको पता आपने पेपर कैसा दिया, रनिंग शुरू कर लेना भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।